क्या हाल है मेरे भाई? सब बढ़िया। तो ट्रू रिलेशनशिप, सच्चा रिलेशनशिप क्या है? सच्ची मोहब्बत, सच्चा रिश्ता क्या है? आजकल के रिलेशनशिप परियों की कहानी जैसे हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड, और लड़कियां सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड राजकुमार है, सफेद घोड़े पर आएगा। सफेद घोड़ा ना आपने हम देखा होगा ना हमने देखा होगा, ये सिर्फ फिल्मों वाला सीन है। कोई भी रिलेशनशिप तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक उस पर वर्क ना किया जाए, जब तक उसको आप समझेंगे नहीं, सामने वाले की सिचुएशन को समझेंगे नहीं, वो रिलेशनशिप कभी स्मूथ चल नहीं पाएगा। अगर आप ये सोच के रिलेशनशिप चला रहे हैं कि मेरे को बस जस्ट टाइम पास करना है, तो रिलेशनशिप नहीं चल सकता मेरे भाई। और फेरी टेल में जीना, परियों की कहानी में जीना कोई रिलेशनशिप नहीं है। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट कर देना, दिन में खाना खाया या नहीं खाया पूछ लेना, रात को गुड नाइट टेक्स्ट कर देना, किस दे देना, चुम्मी दे देना, ये कौन सा रिलेशनशिप है? ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। सच्चा प्यार और सच्चा रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है इस चीज से। सच्चे प्यार में सामने वाला पार्टनर आपको समझेगा, आपके हर एक सिचुएशन में आपके साथ रहेगा, कोई साथ हो या ना हो वो आपके साथ होगा। छोटी छोटी बातों को आप इतना बड़ा बना देते हैं कि वो ब्रेकअप की तरफ चली जाती है। ये कहां का प्यार है? ये कहां का रिलेशनशिप है मेरे भाई? अगर मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही होगी कि वो मेरे को उतनी ही वैल्यू दे, उतना ही प्यार मुझसे करे। बट जब सामने वाला हमको इतनी वैल्यू नहीं देता तो हमको हर्ट होता है, लगता है कि अरे यार मैं इतना सच्चा प्यार करता हूँ, इससे इतनी इसको वैल्यू दे रहा हूँ, फिर भी ये मुझको नहीं समझ रहा है, और आप वहाँ पे हर्ट होते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल के रिलेशनशिप में। और आप ये चीज़ सोच नहीं सकते कि सामने वाला किस लेवल पर है, वो क्या फेस कर रहा है, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के हाथ में कुछ भी नहीं होता, फिर भी उसको वो चीज करनी पड़ती है। एग्जाम्पल आपको बहुत प्यारा वाला देना चाहूंगा। अगर आप एक लूडो खेलते हैं तो लूडो में अगर आपकी 3 गोटी जीत गई, एक लास्ट गोटी बचती है, और आपका खास दोस्त है या आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका कोई भी खास बंदा है, वो भी लूडो खेल रहा है, अगर आप उससे आगे हैं और उसकी गोटी आपसे पीछे है, और आपके उसके बीच में सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस और 3 आ जाता है, तो ना चाहते हुए भी वो गोटी आपकी गोटी को काट देगी। उसका इंटेंशन नहीं था काटने का, बट फिर भी वो गोटी आपकी गोटी को काटेगी, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहां आपको अपने पार्टनर को मॉरली सपोर्ट करना होगा, इमोशनली सपोर्ट करना होगा, माइंड से सपोर्ट करना होगा। अगर आप उसको समझना ही नहीं चाहते, आप उसकी फीलिंग को समझना नहीं चाहते, तो आप रिलेशनशिप कैसे चला पाएंगे? छोटी छोटी लड़ाइयों को इतना बड़ा बना देंगे, बात नहीं करेंगे, नाराजगी जाहिर करेंगे, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप को इतना डीपली लेके गए हैं तो थोड़ा तो फर्ज बनता है कि उस रिलेशनशिप को थोड़ा लॉन्ग किया जाए, स्मूथ चलाया जाए, लॉन्ग टर्म पे चलाया जाए। इतनी जल्दी ब्रेकअप कर लेना, साथ छोड़ देना कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। उसके हर एक सिचुएशन में साथ देना, दुख हो सुख हो उसके साथ खड़े रहना, ये सच्चा रिलेशनशिप है। कोई साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो उसके साथ रहना, फैमिली अगेंस्ट हो या साथ हो, हर एक सिचुएशन में आपको उसका साथ देना होगा, तब सच्चा प्यार होगा। बट इस चीज़ को समझना कौन चाहता है, इस चीज़ को जानना कौन चाहता है? बस एक हवस है जो आपके दिल में है, और लड़की ये सोचती है कि मेरा रिलेशनशिप बस लड़का पैसे वाला हो या फिर जो भी थिंकिंग है, आई डोंट नो। 100 में से 70% ऐसे रिलेशनशिप है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई गोल्ड डिगर है, और लड़के के अंदर हवस भरी पड़ी है, बस दैट्स इट। ये रिलेशनशिप का बेस है। आप जज कर लेते हैं सामने वाले पे ज़्यादा पैसा है, लड़कियाँ वहाँ चली जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सब लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। और सेम एज इट इज लड़कों के लिए भी यही है कि लड़के टाइम टू टाइम लड़कियां बदलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जस्ट अपना काम करना है, जस्ट उनको यूज करना है। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा, इन सब चीजों को आपको समझना होगा कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है और मैं कहां लेकर जा रहा हूं रिलेशनशिप को। बिकॉज आप अपना बहुत कीमती टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। 20 से 24 की एज में आप इतना टाइम दे रहे हो रिलेशनशिप में, तो और वो रिलेशनशिप जब रिजल्ट ना मिले तो बहुत दुख होता है, दिल टूटता है। ये वही बात हो गई कि मैंने कोई डिग्री करी, मैंने ग्रेजुएशन करी और उसकी डिग्री ही मुझको नहीं मिली, बहुत दुख होता है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने परिवार वाले हैं, सब्सक्राइबर तो नहीं कहूँगा, परिवार वाले हैं, किसी के साथ ऐसी सिचुएशन ना आए, उनका दिल टूटे,
बस यही चाहूंगा, जितना हो सके रिलेशनशिप के डीपनेस को समझिए, सामने वाले को समझिए, उसके हर सिचुएशन में साथ दीजिए। यही सच्चा रिलेशनशिप है, यही सच्चा प्यार है। टाइम दीजिए, समझिए, मॉरली सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन के आ सकेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो में सब इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।